वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, आज एक नया जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो जॉब नोटिफिकेशन आया है नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी त्रिपुरा अगरतला से, उसमें मेनली जो मेंशन किया है नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट वर्क इन इंटरव्यू विल बी हेल्थ ऑन 28 मई 2021 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक से होगा एट द फिक्स्ड पे अंडर द स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से होगा। एंगेजमेंट विल बी फॉर 1 ईयर, पहले 1 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, बाद में ये एक्सटेंशन हो सकता है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट है, सैलरी कितना है, वैकेंसी कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना चाहिए। पहला वाला जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर गायनोकोलॉजी के लिए है, वो 1 लाख सैलरी है। यूआर के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, टोटल 2 पोस्ट है। इसके लिए मेनली एमडी, एमएस, डीजीओ, डीएनबी इन गायनोकोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रिफरेबली 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मीन्स हाई प्रोफाइल जॉब है। सेकेंड वाला है स्पेशलिस्ट डॉक्टर पेडियाट्रिक का है, वो भी 1 लाख का फिक्स्ड सैलरी है। इसके लिए भी एमबीबीएस डिग्री विथ पीजी डिप्लोमा चाहिए। थर्ड है स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्जन चाहिए फॉर एफआरयू के लिए, वो भी 1 लाख का फिक्स्ड सैलरी है। इसके लिए भी हाई प्रोफाइल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर फिजिशियन और कंसल्टेंट मेडिसिन फॉर एफआरयू, इसके लिए भी 1 लाख सैलरी है। एमडी इन मेडिसिन और डीएनबी इन इंटरनल मेडिसिन में चाहिए, 3 साल का पेपर है चाहिए। फिफ्थ है साइकाट्रिस्ट जो मेंटल हेल्थ के लिए, इसमें भी एमडी और डीएनबी 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन सैलरी सेम ही है, 1 लाख का है। एमएस और डीएनबी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो सेवेंथ है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, इसका सैलरी है 55,000, इसमें एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। डिजायरेबल एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इंटरनल मेडिसिन में चाहिए। जो मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर का जो जॉब है उसमें आपका फिक्स्ड सैलरी है 55,000, इसमें वो डिजायरेबल कैंडिडेट एमबीबीएस चाहिए और जिसमें डिजायरेबल है एमडी जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर जो एमबीबीएस का पोस्ट है डीईआई से, उसका सैलरी 60,000 है, उसमें एमबीबीएस डिग्री रिकॉग्नाइज बाय मेडिसिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए, प्रिफरेबली 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाइन्थ जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर ब्लड सेल के लिए, उसका सैलरी है 34,000 के जैसा है और इसमें भी एमबीबीएस डिग्री फॉर्म एमसीआई रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज से होना चाहिए। मींस सब जो पोस्ट है वो मेडिकल रिलेटेड ही है, मींस उसमें लिए डिजायरेबल फर्स्ट एमबीबीएस चाहिए। जो टेंथ नंबर पोस्ट है एपिडेमियोलॉजी जो एनसीडी सेल का है, उसका सैलरी है 60,000, उसके लिए आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ ब्लड सेल, उसके लिए भी एमबीबीएस डिग्री फॉर्म एमसीआई रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज से होना चाहिए। जो पोस्ट है, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।